नमस्कार मित्रों, के चैनल में आपनु हार्दिक स्वागत है। हूँ दिनेश सिंह राठौर। आज आप जोईशु भारत बायोगेस द्वारा प्राकृतिक खेती माटेनो सराहनीय प्रयास। राज्यपाल आचार्य देवव्रत जी। राज्यपाल आचार्य देवव्रत जीए आणंद जिल्लाना सुंदलपुरा खाते कार्यरत भारत बायोगेस एनर्जी लिमिटेडना विविध प्लांटनी मुलाकात लई प्लांटमा चालता विविध विभागोनु रसपूर्वक निरीक्षण करवानी साथे जात माहिती मेळवी हती। राज्यपाल आचार्य देवव्रत जीए तेमनी भारत बायोगेस एनर्जी लिमिटेडना मैनेजिंग डिरेक्टर भरत पटेल तबीब होवानी साथे किसान पण होवाथी रासायनिक खातर अने कीटनाशकोना वधु पड़ता उपयोगना कारणे आजे कैंसर, डायाबिटीस, हार्ट एटेक जेवा अनेक रोगों वधता जाय छे त्यारे तेनी चिंता करीने पोतानी विवेक बुद्धिथी आ प्लांटनी स्थापना करी प्राकृतिक खेतीमां सराहनीय प्रयास कर्यो छे तेम जणाव्युं हतुं। राज्यपाल देवव्रतजीए रासायनिक खातरने बदले प्राकृतिक खेती करवा तरफ किसानो आगळ वधे તેમ જણાવી પ્રાકૃતિક ખેતી કરવાથી પર્યાવરણના જતનની સાથે પાણીની પણ બચત થાય છે, તેટલું જ નહીં પણ પ્રાકૃતિક ખેતી કરવાથી ઉપજમાં કોઈ ઘટાડો નથી અને વધુ સારી ઉપજ મળવાથી તેના ભાવો પણ વધુ મળતા હોવાથી કિસાનોની આવક બમણી થાય અને ઉન્નતિની દિશામાં પ્રાકૃતિક ખેતી મહત્વનું અંગ બની રહેશે તેવું વડાપ્રધાન નરેન્દ્રભાઈ મોદીનું સ્વપ્ન સાકાર થશે તેમ કહ્યું હતું। राज्यपाल आचार्य देवव्रतजीए काउ डंग बैंकनू एकत्र करवामां आवे गायना गोबरनी केवी रीते मावजत करवामां आवे छे तेनी तेमज बायो सीएनजी लेबोरेटरी अने ऑर्गेनिक खातर प्लांटनू निरीक्षण करवानी साथे जरूरी जानकारी मेळवी हती। राज्यपालनी आ मुलाकात दरमियान जिल्ला कलेक्टर आरजी गोहिल, जिल्ला विकास अधिकारी आशीष कुमार, जिल्ला पोलीस वडा अजित राजियान, जिला पशुपालन अधिकारी स्नेहल पटेल सहित अन्य अधिकारियों साथे रहा था। आनंद में आज डॉक्टर भरत जी जो ऑर्थोपेडिक्स के भारत के नहीं विश्व के प्रसिद्ध डॉक्टर हैं और साथ में किसान भी हैं, उन्होंने अपने विवेक बुद्धि से भारत के किसान की समृद्धि को ध्यान में रखते हुए और जिस तरह से आज लोगों में कैंसर, डायबिटीज़, हार्ट अटैक, हड्डियों के रोग बढ़ते जा रहे हैं उसके पीछे बहुत बड़ा कारण रासायनिक खादों का प्रयोग, कीटनाशकों का प्रयोग और उससे लोगों का गिरता हुआ स्वास्थ्य, उसकी चिंता आपने स्वयं की और स्वयं किसान होते हुए अपने खेतों में आपने एक नई पहल की और उसको ध्यान में रखते हुए समस्त भारत के किसानों को प्राकृतिक ढंग से खेती करने के लिए जो कितना बड़ा प्रयास किया है इसके लिए मैं उनकी सराहना करता हूं और भारत के किसानों से भी मेरा आग्रह है कि वो रासायनिक से बचें और प्राकृतिक कृषि की ओर बढ़ेंगे तो उनका भविष्य भी सुधरेगा, क्योंकि इससे पर्यावरण भी बचेगा, पानी की खपत भी बचेगी, उनके लागत मूल्य भी कम आएगा और उत्पादन भी कम नहीं होगा और भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी जो भारत के किसानों की बहुत चिंता करते हैं और चाहते हैं कि भारत का किसान समृद्ध हो, उन्नत हो, खुशहाल हो, तो उस दिशा में ये पहल निश्चित रूप से एक प्रशंसनीय है। दर्शक मित्रों, अत्यारे आटलू ज। आवा वधु समाचारों माटे जोता रहो के चैनल। नमस्कार।